नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीट्यूड। मोदी जी की रैली के लिए नया चैलेंज किया गया प्रारंभ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नए रिवाज इजाद किए गए, जिससे प्रधानमंत्री की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे। ये मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सोहा ब्लॉक का है। यहाँ रात 8 बजे जब हमारे रिपोर्टर उधर से गुजर रहे थे तो ब्लॉक में कुछ हलचल दिखाई दी, तो वे लोग ब्लॉक में घुस गए। वहां का नजारा ये था कि जो ब्लॉक सुबह 9 बजे खुलता है और 4 बजे शाम को बंद हो जाता है, वो रात के 8 बजे तक भी खुला था। वहां बहुत सारी गाड़ियों के ड्राइवर खड़े थे, उन लोगों को कुछ कागजात पर साइन करवाया जा रहा था और कुछ टोकन भी दिया जा रहा था। जब हमारे रिपोर्टर नजदीक जाकर पता लगाया कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी रात तक आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वहाँ बैठे अधिकारी ने कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। कई बार उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, इतनी रात को ये सब क्या कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वहीं खड़े लोगों ने बताया कि ये बलिया जिले के RTO के ये कोई अधिकारी हैं। रैली से पहले गाड़ियाँ पकड़ कर लाई गई हैं आजमगढ़ ले जाने के लिए, ये उन्हीं सबको तेल का टोकन दे रहे हैं। दरअसल रैली के लिए गाड़ियां पकड़ना पुराना रिवाज है, लेकिन ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा भोजन बनवाने का मामला पहली बार देखा जा रहा है। वहां लाइट की भी अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं किया गया था, लोग अंधेरे में लिट्टी बना रहे थे। इतना ही नहीं, वहां कई मासूम बच्चों को भी काम के लिए लगाया गया था। वो सारे बच्चे 14/7/18 को होने वाले प्रधानमंत्री की रैली में जाने वाले लोगों के लिए दबा बनाते दिखाई दिए, जबकि बच्चों से काम करवाना कानून की किताब में जुल्म माना जाता है, लेकिन यहाँ उन सब से काम करवाया जा रहा था। उनसे जब पूछा गया कि सर इतनी रात तक आप सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश आया है कि जितने भी लाभार्थी हैं उन सब को लेकर रैली वाले स्थान पर पहुँचना है। जब ये पूछा गया कि वहाँ जाने से क्या कुछ और मिलेगा, तो उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हाँ सर, अपना परिचय दें। आनंद कुमार चौरसिया, खंड विकास अधिकारी। आप खंड विकास अधिकारी हैं सर, ये बताइए सर इतनी रात तक आप लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं क्या? हम लोग तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, ड्यूटी 24 घंटा होती है। नहीं, पहले जैसे कि ये होता है कि नहीं, सुबह 9-10 बजे से ऑफिस खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। निर्वाचन के समय भी 24 घंटा कार्य चलता रहता है, लेकिन इस समय तो निर्वाचन कार्य नहीं चल रहा है ना। समय भी सरकार की निर्माण है, जिसको समय से लाभार्थियों को पहुंचाना, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि समय से मिल जाए लाभार्थियों को सारी योजनाओं का लाभ। तो वहां जाने से लाभार्थियों को हर सुविधाएं मिल जाएगी क्या? जो भी हमको सुविधाएं अनुमान्य कराना है, प्रयास करेंगे। कहीं से आदेश आया है क्या सर इसके बारे में, कि आप लोग वहाँ पर जैसे कि कर्मचारियों को लेकर के आए? इस प्रकार का निर्देश जिला प्रशासन से प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन यानी कि DM महोदय के तरफ से? जिला प्रशासन जी। और यहाँ पर खाना वाना भी बन रहा है क्या सर? जो लोग यहाँ रहेंगे वो तो खाना खाएंगे। और वहाँ जाने, जो यहाँ से जाएंगे उन लोगों के लिए भी खाना का व्यवस्था है क्या? प्रयास किया जा रहा है कि उनको रिहाई का प्रकरण कर देंगे। सुबह में कितने बजे यहाँ से आप लोग जाएंगे? 7 बजे यहाँ से गाड़ी के लिए बलिया से शंकर जी की रिपोर्ट। ठीक है सर, धन्यवाद।